पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रेती बंदर परिसर में कपड़े और प्लास्टिक में लपेटी हुई एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि लाश 2 से 3 दिन की हो चुकी है। कंडीशन काफ़ी ख़राब होने से बदबू आ रही थी। डेड बॉडी पहले एक कपड़े में फिर प्लास्टिक में लपेटकर सेलो टेप से लपेटकर इसे पोटला बनाकर किसी ने रेती बंदर खाड़ी से लग कर फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है कि हत्या करने के बाद यहां पर लाकर किसी ने फेंक दिया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने इसे देखा और पहले तो कचरा समझा, मगर बदबू आने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इस पोटले को खोला तो उसके अंदर से महिला की एक लाश मिली है। मृतक महिला की उम्र 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और ACP विलास शिंदे भी मौके पर पहुंच गए। मुमरा पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले की मुमरा पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किसने हत्या करके इस महिला को यहां पर लाकर फेंका है और ये महिला कहां की रहने वाली है। वहीं मुमरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संजय पवार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या बताया है, आपको सुनाते हैं। सर, रेती मंदिर परिसर में एक अज्ञात महिला की लाश मिली, तो क्या पूरा मामला है, आप लोगों को कैसे पता चला? देखो, आज शाम को हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे कुछ किसी चीज़ में लपेटा हुआ कुछ, तो जिसमें से बदबू आ रही है, ऐसे एक इन्फॉर्मेशन मिली। तो हमने चेक किया तो ये रेती बंदर गणपति घाट है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है और फिलहाल तो उसका अंदेशा ऐसा है कि उसकी हत्या की गई है। आगे का इन्वेस्टिगेशन में पूरी बात पता चलेगी, डेड बॉडी किसकी है। तो सबसे पहले वो किसकी कौन मिसिंग है क्या, वो देख के इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। सर, यहाँ पे ACP सर आए थे, विलास शिंदे सर, उसी के साथ फॉरेंसिक टीम भी आई थी, तो उन्होंने कुछ बताया, कुछ मतलब ऐसा? ACP सर ने इंस्ट्रक्शन दी है, उस पर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे।